हेलो सुमित्रा। हेलो शर्मिला। क्या हुआ, रो रही हो? जुगनू बनी जोगन का आज आखिरी एपिसोड है। हाँ, जुगनू बनी जोगन का आज लास्ट एपिसोड है। कोई बात नहीं, जो शुरू हुआ है वो खत्म तो होना ही है, पर यहाँ का शो हमारे टीवी शो से भी अच्छा है। वो बात तो बराबर है, सोसाइटी का माहौल ही चेंज हो गया है, रोज एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे हैं। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस है कांगुइंग कॉन्ग। कांग्रेचुलेशंस तेस्ते। वो क्यों? सोसाइटी में दो नई जोड़ियां बन गए, शर्वरी रॉकी और जेनी अभिजीत। हाँ, बन तो गई, पर कौन सी वाली सच है कौन सी वाली झूठे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता चलेगा सब पता चलेगा, किसमें है कितना दम। इसका मुंह कोई करो बंद। क्या बोले मुझे? नहीं, मुझे हर बार क्यों बोलती हो? तुम्हारी सास बड़ी है इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कुछ मुंह पे बोल दूंगी तो इतना बुरा लगेगा। बोल बोल, डरती नहीं मैं तुझसे चुचंद्री। सुमित्रा जाने दो ना, तुमको तो पता है किसी वो अभिजीत। बहुत अच्छा, तुमने आज छुट्टी निकाली। छुट्टी तो निकालनी पड़ी, तुमने कल इतना बड़ा धमाका जो कर दिया, मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ी। अच्छा जेनी सुनो ना, कुछ खेलते, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। क्या खेले? दम शेर राज खेलते। वही ना, जिसमें आपको मूवी का गेस करना होता है। मैं एक्शन करूंगा, तुमको गेस करना है। ओके, आई एम रेडी। आओ भाई, दम शेर राज। यश शर्मा दीदी, दम शेर राज। मैं तो कॉलेज में बहुत खेलती थी इनके साथ। मैं तो बचपन में माहिर थी दम शेर राज में। हम ऐसा नहीं खेलते थे, हम ब्रांडेड वाला दम शेर राज खेलते थे। अच्छा, आप दोनों बहुत माहिर खिलाड़ी हो, पर प्लीज बीच में आंसर मत फोड़ना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, बस चिप्स लेके आती हूँ मैं, वो खाती हूँ। खा सकती हो ना? हाँ हाँ, खाइए आपके चिप्स, मैंने कहा मना किया आपको? नहीं नहीं, तुमसे पूछने का मजाक कर रही हूँ, वैसे भी मेरे ही चिप्स है, जब मेरा मन होगा तब खाऊंगी, तुमसे क्यों पूछूंगी। ये लो, तुम्हारी भी इच्छा हो रही होगी खाने की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, क्या? नहीं नहीं, ये लो। रहने दो शर्मिला, इतना प्यार से दे रही हूँ, ले लो। नको भाई तेरा प्यार, खाओ तुम ही। ठीक है, मुझे क्या। अच्छा जेनी, तुम रेडी हो? आई एम रेडी अभिजीत, तुम करो। ओ, वन वर्ड राइट? वन वर्ड वाला बहुत आसान होता है, बहुत आसान। नहीं, मुझे वन वर्ड का ज्यादा मुश्किल लगता है। क्या है, समझ में नहीं आता जल्दी, क्या कर रहे? नमस्ते, पेड़ लागो। अभिजीत तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब तुम वर्ड को एक्सप्लेन करो। अभिजीत ठीक से एक्शन करो। ठीक से ही कर रहा हूं मैं, आप बीच में मत बोलिए। गॉड, बेचारी को हिंदी मूवीज क्या पता होंगी। दीदी, मुझे सब पता है, बताओ ना फिर। यस, मैं बता ही रही हूँ, बस जरा याद कर रही हूँ। इसको बस लपड़े करने के लिए बोल, उसमें ही तेज है, बाकी कामों में सब फेल। क्या बोला आपने? खेल खेल, तू तेरा खेल खेल, मेरी तरफ क्या देख रही है। यस अभिजीत, तुम ठीक से करो। कितना आसान है ये, मैं यूं बता दूंगी। नहीं तो क्या, कितना आसान है। जेनी उसमें वो ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या चंद्रमुखी माधुरी दीक्षित बनी है। आई नो, मैंने किया था वो, बहुत बार किया है मैंने। इश, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। बड़ी फिल्म भी बन रही है पारो, जरा घर का काम करो। शाहरुख बना है उसमें देव, देवदास, देवदास। ओ आंटी, आंटीज क्या? हम आंटीज है क्या? आंटीज नहीं है, हम 50 के बाद होता है आंटी, कुछ भी बोलता है। सॉरी सॉरी, मैंने बोला था ना आपको, बीच में मत बोलिए आप, फोड़ दिया आपने आंसर। अगर ऐसा बताओगे तो मजा ही क्या रहेगा खेल में। ठीक है, नहीं बोलेंगे, ये कैंसिल कर देते। रसगुल्ला आ गए, रसगुल्ला आ गए, आ गए। मुंह फुला के आई है, इसका तो मुंह फुला हुआ ही रहता है हमेशा। कभी तो हंस लिया करो, कभी तो कान कम लगाया करो, जरा उनको भी आराम दिया करो। क्या कहा आपने? मैं कान लगाती हूँ? कान नहीं लगाती हूँ मैं,
मेरे काम लग जाते हैं अपने आप। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बचपन से प्रॉब्लम है वो मेरा। तो दिखाइए ना डॉक्टर को। क्यों दिखाओ, मुझे मजे आते हैं, मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। प्रॉब्लम तो तुम्हारा हो गया है, बचपन का दोस्त किसी और के साथ उड़ गया है। यानी तुमने आज भी साड़ी पहनी मेरे लिए? वाओ, मुझे काफी अच्छी लगती हो तुम साड़ी में। सच में ये ब्लैक ब्लैक साड़ी में तुम कयामत लग रही हो। थैंक यू अभिजीत, वैसे ये साड़ी तुम्हारी चॉइस की है, तुमको ब्लैक पसंद है ना? अभिजीत तुमको तो लाल कलर पसंद था। मुझे लाल पसंद था पर अब काला अच्छा लगता है। शर्वरी तुम उसकी बचपन की दोस्त थी, अब नहीं हो, आई मीन हो, बट मैं उसकी अब गर्लफ्रेंड हूँ। एंड गर्लफ्रेंड नो एवरीथिंग अबाउट योर बॉयफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड। जेनी ये काफी इजी है, ध्यान से देखना। ओके ओके, मैं आई एम सब हम आपके हैं कौन? हाँ शर्मिला जी, क्या हो रहा है? वो माधुरी करती है ना वैसे मूवी में। हाँ ओहो माधुरी, आपने सब्जी छोड़ी है अधूरी, पहले वो कीजिए पूरी। ससुर के आगे बनती है संस्कारी, बाकी का टाइम चुगलखोरी। वाह लेला, क्या लाइन बोली। मेरा ही दिखता है बस। बड़ी हाहा हुहु हे हे कर रही थी बाहर। वो शर्वरी रॉकी बोलते मित्र, जेनी और अभिजीत दोनों मूवी गेस्ट कर रहे थे, उसमें आ गई थी हम आपके हैं कौन। मैं तेरी सास, तुम मेरी ढेबरी। ससमा बोल बोल आगे का बोल। इसलिए मैंने वो माधुरी दीक्षित स्टाइल में किया। हाँ वैसी नहीं करती वो, मैं दिखाती हूँ। क्या जरूरत है हाओ हो हे करने की? तू भी तो करती है। हाँ तो मैं अभी जवान हूँ, आपकी उम्र हो गई है। सब्जी जल रही होगी मेरी। पता नहीं लोगों को रूल्स पता है कि नहीं, बीच में कूद जाते हैं। तुमको बुलाया भी नहीं किसी ने, क्यों बीच में बोल रहे हो तुम शर्वरी? हमारा चल रहा है ना यहाँ पे, चलने दो, जल रही हो क्या? रॉकी बेबी जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ शर्वरी? जाओ दूध लेके आओ, एक्स्ट्रा का संदेश करना है। संदेश? अभिजीत बाबू मुंह में पानी आ गया। अगर आपको खाना है तो बोल दीजिए, रॉकी के हाथों भिजवा दूंगी मैं आपको संदेश। तुम्हारा संदेश तुमको ही मुबारक हो, नहीं चाहिए मुझे। रॉकी बेबी हम दमशेर रात खेलते हैं। देखो हमारी कॉपी कर रहे, वो भी दमशेर रात खेल रहे। वो क्या होता है, कोई भी मूवी होगी मैं उसका एक्शन करूंगी और तुमको उसका नाम गेस करना है। हाय जिसको यही नहीं पता दमशेर रात होता क्या है वो क्या खेलेगा? बट मुझको तो कोई मूवी भी नहीं पता। बेचारा इंडिया की मूवीज भी नहीं देखी क्या गेस करेगा? रहने दो, मत करो, यही होता है कॉपी करने का अंजाम। कॉपी तो तुमने किया हम दोनों की, जैसे हमारा हुआ तुम्हारा भी हो गया। फुसके। ओए फुसके किसको बोला रे, फुसके किसको बोला? शर्वरी तुम ही बताओ ये फुसका है ना? मैं क्यों बताओ? वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ फुसका तो फुसका ही है और फुसका ही रहेगा। उनका और मेरा तो जमता ही नहीं, वो फिक्सर है वैसे भी, शर्वरी की साइड लेती है, फिक्सिंग करती है। ओह नो श्रेया की दादी आपको ये बोल रहा है फिक्सर। नेवरथलेस बराबर नाम दिया है मैंने तुझे फुसका। आपको और क्या है काम, दिन भर खटिया के ऊपर करती हो आराम। तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, क्यों बीच में कूद रही है तू? नहीं हम सबको पता है तेरे मुंह का प्रॉब्लम है, पर बार बार उसको प्रूफ करने की क्या जरूरत है? करूंगी मैं प्रूफ, ब्रांडेड मुंह है मेरा। अपना ब्रांडेड मुंह जरा घर के अंदर रखा कर, बार बार बाहर चला आता है। और ये चिप्स जरा कम खाया कर, खाती रहती। खाऊंगी, आपके पैसे का नहीं खाती मैं, मेरे हस्बैंड के पैसों का खाती हूँ। खा खा। हाँ हाँ
चलो भाई हम चिट्ठियां खेलते हैं। चिट्ठियों का खेल? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। कैसी चिट्ठियों की बात कर रहे हो तुम? चोर पुलिस? ना, मैं बताता हूँ। आई एम गोइंग डाउन और फिर मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखूंगा, फिर तुम ऊपर से मुझे उस चिट्ठी का जवाब देना। हम ऐसे चिट्ठियों का खेल खेलेंगे दिन भर, सोना। अच्छा, मैं समझ गई, तुम बॉलीवुड टाइप रोमांस की बात कर रहे हो। या ये खेल तो बहुत खेला आपके दादाजी ने और मैंने साथ में मिलके। आपके दादाजी मुझे चिट्ठियां देते थे अखबारों में, फिर मैं दूसरे दिन उसी अखबार में उसका रिप्लाई देती थी। क्या बात कर रहे हो लफड़ेबाज बुढ़िया। क्या बोली? ए, कहाँ जा रही है छछुंदरी? अरे तेरा चिप्स गिर गया। कहाँ गिरा? मेरा चिप्स। लफड़ेबाज बुढ़िया। लगने, मैंने नहीं बोला आपको, मैंने कहा आपके आपके चूड़िया। चूड़िया बहुत अच्छी है आपकी। चूड़िया नहीं है, कंगन है। कंगन? अच्छा, मुझे नहीं पता था, थैंक यू बताने के लिए। कंगन? वैसे मैंने भी वही पहना है, कंगन। अपना आंगन जैसा मुंह बंद रख। आंगन नहीं है, आंगन से तो बड़ा ही है। ओ भाई ठीक है, अपना मैदान जैसा मुंह बंद रख। जी आप बोल रही थी, हम लेंगे पायल है छनकाए। मैंने कहा पायल छनकाए हर बार छनकती है, हम लेते हैं उलाला। तो कहती उलाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने कहा उलाला ही लेंगे। टीचर को बोल भी दिया है हम आगे खड़े रहेंगे, हम दोनों ही जाएंगे सबसे आगे। मेरा तो डांस बहुत अच्छा है, तेरा भी डांस अच्छा है ना? हाँ मेरा भी डांस अच्छा है। मैडम को बोल देंगे हमको आगे खड़ा कर दो, हम आगे ही खड़े रहेंगे। ठीक है जाओ, मैं ऊपर से चिट्ठी फेंकती हूँ, तुम पहले लिखोगी। हाँ मैं फेंकूंगी। इनका तो दिन दहाड़े चल रहा है सोसाइटी में, देखो तो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जेनी मौसी तो रॉकी अंकल के साथ थी ना, दोनों का ब्रेकअप तो हो गया? ब्रेकअप हो गया? या ब्रेकअप हो गया दोनों का। तुमको बताया नहीं मॉमी ने? मुझे तो कुछ नहीं बताती मम्मी, मेरी मॉमी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ बताती है मुझे। पता नहीं क्या होगा अब इनका, होने दो जो होना है, हमको तो मजे आ रहे हैं। श्रेया क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी, वो तो हम कॉलेज की बातें कर रहे थे। सच में कॉलेज की बातें कर रही हो? भाग भाग भाग, चले गए नीचे। यस मैं आ गया, तुम चिट्ठी फेंको। अभी मैं चिट्ठी लिखती हूँ और तुम्हारी तरफ फेंकती हूँ, कैश करना। हरी अप हरी अप। ओ तेरी रॉकी क्या कर दिया? ओह नो, पकड़ो अपनी अमानत। कोई तमीज ही नहीं रही है किसी में। नहीं क्या चल रहा है यहाँ? अपने अपने घर नहीं, यहाँ बाहर आके खेलते हो सब, कैसा लगता है वो? जाओ सब अपने अपने घरों में। अगर घर में खेलेंगे तो आपको मजे कैसे आएंगे? बच गए हम तो? ना ना बच नहीं गए हम, हम तो फंस गए। जितना मैं श्रेया के दादाजी को जानती हूँ वो बहुत डरावने है। अब डरावने मीन्स बहुत खतरनाक है। हमारी ऐसी हरकत देख के वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मुझको तो बहुत डर लग रहा है, डर के आगे मार रहे हैं। क्या कहा तुमने? डर के आगे मार? कुछ नहीं, आ जाओ ऊपर, तुम्हारी चिट्ठियों का खेल बहुत महंगा पड़ गया। मुझे तो लगता है हमारी खैर नहीं। क्या बना दिया इस सोसाइटी को, नॉर्मल लोग कम प्यार के पंछी ज्यादा हो गए। और नहीं तो क्या, सोसाइटी कम और स्प्लिट विला ज्यादा हो गया है। स्प्लिट नहीं गो, स्प्लिट स्प्लिट, स्पी के बाद एल का उच्चार होता है, स्प्लिट का अर्थ बहुत गलत है। तेज तेज स्प्लिट तेज, जो आपने बोला वो क्या होता है? लफड़ेबाजों का शो, वहां पर भी ऐसे जोड़ियां बनती है, बहुत कुछ कुछ होता है। सुन भाई तुम ऐसे शो देखती हो? नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ देखते था सुरजी, वो तो सासुमा देखती है। ओ भाई मुझे क्यों बीच में खींच रही है? बीच में क्या बीच में, आप देखती रहे टीवी पे विला? देखती हूँ कभी कभी देखती हूँ। इनकी वजह से टीवी पे देखना पड़ रहा था,
अब सोसाइटी में भी वही चल रहे। मेरा तो सिर घूम जाता ये सब देख के। क्या करूं? अगर बोलने के लिए जाओ सब रोने लगेंगे। अरे क्या आप दोनों प्यार के दुश्मन बने पड़े हो? मोहब्बतें देखी थी क्या रात को? चुप बैठो तुम। ये देखिए बहुत साफ साफ बात बोल रही हूँ मैं। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दीजिए। आप अपनी जी चुके हैं ना, बाकियों की लव स्टोरी में क्यों अमरीश पुरी बन रहे हो? उधर तो देखो, हंसने की चीज नहीं आई है। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा सोसाइटी के? कोई असर नहीं पड़ता, दिन भर कॉलेज में जाते हैं वो, क्या ही असर पड़ेगा उनके ऊपर? असर पड़ चुका है, मैंने अभी उनकी बातें सुनी। कॉलेज की बातें करने के बजाय सोसाइटी वालों की बातें कर रही थी, इसका ये हुआ उसका वो हुआ। भाई 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 जल्दी से जल्दी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाना, ए हाना, तूने भी वही किया है, और हाना के ससुर जी आपने भी वही किया है। भागेगी ना, बोलती तो बोलती है, डर भी बहुत लगता है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? अभी दोनों जुड़िया सोसाइटी में बनी गई है, तो सोसाइटी के बड़े होने के नाते क्यों ना आप ऐसा कोई डिसीजन लो जिससे हमेशा के लिए फिक्स हो जाए रिश्ते में। मैं सगाई की बात कर रही हूँ, हम इन दोनों जुड़ियों की सोसाइटी में सगाई कर देते, इससे क्या हो जाएगा, रिश्ता भी फिक्स और लोगों के मुंह भी बंद। वाह सुन भाई, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। इससे परेशानी का समाधान भी निकल जाएगा और वो सब खुश भी रहेंगे, है ना एकदम अच्छा प्लान। वाह 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 वाह, अभी शनिवार को पंडित जी आ रहे ऐसे ही हमारे घर बातचीत करने के लिए। देखते अगर मुहूर्त अच्छा होता है तो उसी दिन सगाई कर देंगे। क्या कर रहे हो आप? मैनर्सलेस, क्या बोली तू? अभी क्या गलत बोला मैंने ससुर जी? मैंने कुछ गलत बोला? ए ललिता, हाथ छोड़ो सुन भाई का। क्या गलत बोला सुन भाई ने? नहीं क्या गलत बोला, सबकी भलाई का बोला है सुन भाई ने। आप होते कौन हो ये सब करने वाले? नहीं बताइए ना, उनके चाचा, उनके काका, उनके पापा? पापा तो नहीं हो सकते क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, उनके घर वालों के अपने अपने प्लान होंगे, उनके हिसाब से करने दीजिए। आपको क्या इतनी पंचायत, इसकी आदत लग गई क्या आपको? उनकी घर वालों की चिंता तुम मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करूंगा उनसे बात। लड़का लड़की दोनों तैयार हो तो घर वाले भी मान जाएंगे। सुन भाई, उनके घर वालों का नंबर तुम्हें मेरे पास लाना पड़ेगा, ये काम मैं तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ। सबके घर वालों के नंबर मेरे पास लाके दो। ठीक है ससुर जी, वो काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सबके घर वालों के नंबर लाती हूँ। ये तो इस काम में माहिर है, इसको आता ही क्या इसके अलावा। और हाँ ललिता, जब तक उनके घर वालों से बात नहीं हो जाती ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे मत बताइए, अपनी लाडली सुनबाई को बताइए, इधर उधर बोलती रहती है वही। सुनबाई किसी को बोलना मत ये। नहीं नहीं ससुर जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जब तक ये बात फिक्स नहीं हो जाती ना तब तक किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर सब सही रहा तो शनिवार को सोसाइटी में सगाई होगी। आगू भाई सच में दोनों जुड़े उनकी सगाई एक ही दिन हो गई तो कितना मजा आएगा। भाई 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 भाई। क्या इतनी क्या उतावली हो रही है? खुद की शादी ठीक से संभली नहीं, चले है दूसरों की करने। आने दो इसको, देखती हूँ। आपने बहुत कुछ बोला है आज। ओ तेरी। क्या खुद ने ही मुझे पकड़ा और खुद ही बोल रही हो क्या? काला कलर तुमको अच्छा लगता है? हाँ। कब से? आज से। ये देखो मैंने भी ब्लैक ही पहना है, गॉगल भी ब्लैक ही है, सब ब्लैक है मेरा। सोसाइटी में साड़ी वाले लुक में जेनी अच्छी लगती है, मुझसे भी अच्छी। सच्ची कहा मैंने, गलत क्या था उसमें, वो काफी खूबसूरत दिखती है इंडियन लुक में। आई थिंक वेस्टर्न से ज्यादा वो इंडियन लुक में अच्छी दिखती है। मैंने सोचा नहीं था वो इतनी खूबसूरत दिखेगी साड़ी में, बट शी इज। कल श्रेया की दादी ने क्या कहा था, सोसाइटी में साड़ी वाले लुक में सबसे ज्यादा सुंदर मैं दिखती हूँ। ऐसा सिर्फ तुमको लगता है, गलत फैमिली का बुब्बरा फोड़ दो। हंस क्यों रहा?
तुम्हारी और रॉकी की जोड़ी देख के, क्या जोड़ी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। बुराई क्या हमारी जोड़ी में, कितने प्यारे दिखते हैं हम एक दूसरे के साथ। सिर्फ एक बुराई नहीं, ढेर सारी बुराइयां है। अभी देखो, कहा वो फॉरेन का गोरा और कहा तुम इंडिया की छोरी। जेनी भी तो है फॉरेन की गोरी और तुम इंडिया का छोरा। जेनी ने इंडियन लुक किया है, वो पूरी इंडियन बन गई है। देखा उसको क्या दिख रही है साड़ी में। मैं भी कर सकती हूँ वेस्टर्न लुक। क्या कहा तुमने? मैं भी कर सकती हूँ वेस्टर्न लुक। तुम और वेस्टर्न लुक। ले फिर से हंस रहे हो तुम। शर्वरी माफ करना, तुम्हारे ऊपर साड़ी अच्छी है, वेस्टर्न लुक तुम पे सूट नहीं करेगा। वेस्टर्न लुक तो जेनी पे ही सूट होता है, क्या दिखती है वो वेस्टर्न लुक में। तुम गेट लॉस्ट। नीचे क्या भेज रही हो, मेरा घर उधर है, साइड ऑफ। वेस्टर्न लुक, साड़ी ठीक लगती है तुम्हारे ऊपर, कुछ करना मत, जोकर दिखोगी। बदमाश, अच्छे दिखूंगी मैं, सच में अच्छे तो दिखूंगी ना वेस्टर्न लुक में, पता नहीं, अपना साड़ी अच्छा है। मिस ब्यूटीफुल, क्या हुआ? कुछ नहीं श्राकी दादी, वो अभिजीत क्या बोल रहा था फुसका? मैंने उसको बोला मैं वेस्टर्न लुक करती हूँ, तो मेरे ऊपर हंसने लगा। हाँ, बोल रहा था मैं वेस्टर्न लुक में अच्छी नहीं दिखूंगी। बराबर ही कहा अभिजीत ने, वेस्टर्न लुक आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, आपके लिए साड़ी अच्छी है। तू क्या दरवाजे के पास ही होती है क्या? नहीं नहीं, मैं तो दरवाजे की सफाई कर रही थी, इसलिए आ गई बाहर। ये देख शर्वरी, कल 10 बजे मेरे घर आ जाना। क्या करने वाले हो 10 बजे? अपने काम से काम रख, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, आ जाना है 10 बजे। ठीक है, मैं कल 10 बजे आपके घर आ जाऊंगी। हो ना हो, ये बुढ़िया 10 बजे जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है, करने दो। मेरी नजरों से और कानों से आज तक इस सोसाइटी में कोई नहीं बचा।